नमस्कार। जन जन की आवाज़ जीवन भारत अब फिर से एक बार कांग्रेस भवन पहुंच चुका है और एक बहुत बड़ी जो खबर आ रही है कि जैसा हमने आपको बताया था कि मांडर में जो जीत का सहरा है वो शिल्पी नेहा तिर्की के सर पर तो सच चुका है, जो कि बंधु तिर्की की बेटी है। अब ये जीत से कांग्रेस के पास कुल मिलाकर 17 ऑफिशियल विधायक हो चुके हैं। आपको बता दें कि प्रदीप जो विधायक थे उनको अभी तक कांग्रेस ने ऑफिशियली स्वीकारा नहीं है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ जो केस किया था, आपको बताते चले 2019 में राहुल गांधी ने जो एक रैली में कह दिया था कि सारे मोदी वाले चोर होते, इसको लेकर कांग्रेस खासा नाराज रही थी प्रदीप जी से, और उनको अभी तक ऑफिशियली कांग्रेस की मान्यता नहीं दी थी। लेकिन अब ऑफिशियली इनके जीत के बाद से, शिल्पी की जीत के बाद से 17 विधायक हो चुके हैं ऑफिशियली, और इतने विधायक के साथ अब जो है कांग्रेस पूरे तेवर में आ चुकी है, पूरे फॉर्म में आ चुकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि वो अब एक मंत्री का दावा ठोक सकती है। जी हाँ, खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने ये कहा है, हमसे बात करी है और कहा है कि हम ये दावा ठोकेंगे जब समन्वय समिति की बैठक होगी, उसमें हम ये बात कहेंगे, हेमंत सीएम हेमंत सोरेन के समक्ष ये बात रखेंगे कि ये जो मंत्री है वो 11 मंत्री से चलेगी या फिर 12 मंत्री से चलेगी। अगर 12 मंत्री से चलती है तो अगला जो दावा होगा वो हमारे तरफ से होगा, यानी कि एक महिला विधायक को हम मंत्री बनाने की पेशकश करेंगे। आपको बताते चले कि कांग्रेस में फिलहाल 6 महिला विधायक है, और साफ तौर पर राजेश ठाकुर ने कहा है कि इन 6 में से कोई एक महिला विधायक अगला मंत्री कैबिनेट में आ सकती है, हेमंत सोरेन सीएम हेमंत सोरेन के कैबिनेट में। देखना दिलचस्प होगा कि अगला मंत्री कौन होता है, और इस बारे में हमने कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा से बात करी है। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि निश्चित रूप से जिस प्रचंड बहुमत के साथ हम आए हैं, एक मंत्री का दावा तो हमारा बनता है, और समन्वय समिति में एकदम डंके की चोट पे इस बात को रखेंगे और एक महिला मंत्री को हम उतारेंगे। आप खुद ही सुनिए राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा। देखिए, स्वाभाविक तौर पर इसका निर्णय हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारा प्रदेश नेतृत्व, हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता, ये तमाम लोग इसका निर्णय लेंगे, और बातें हो रही है। और स्वाभाविक तौर पे अभी चूंकि हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी ठीक हो जाएं, उसके उपरांत हमारा प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी, हमारे कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम साहब, ये लोग मिल बैठ करके महागठबंधन के अंदर चर्चा करके इस विषय पे बातचीत करके निर्णय ले लिया जाएगा। तो जैसा आपने सुना कि राकेश सिन्हा ने भी हमारे सूत्रों के हवाले से जो खबर थी इसको लेकर राकेश सिन्हा ने भी मोहर लगाई है, और उन्होंने कहा है कि इस बात का जिक्र किया जाएगा। देखना आने वाले समय में दिलचस्प होने वाला है कि कौन महिला विधायक, 6 महिला विधायक है और 6 काफ़ी टैलेंटेड है। इसमें शिल्पी नेहा तिर्की भी अभी जो आई है वो बहुत पढ़ी लिखी है, इन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर से मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन में पीजी किया है, इसके साथ ही बेंगलोर के कॉलेज से पढ़ाई की है, काफ़ी उम्दा है, बहुत यंग है, क्या पता इसी को ट्रम्प कार्ड लेकर, आपको बता दें यूथ जो है काफ़ी पसंद करें शिल्पी नेहा तिर्की को, क्या पता कि आने वाले समय में अगला जो समन्वय समिति बैठेगा, क्या पता शिल्पी नेहा तिर्की ही अगली मंत्री बन सकती है, कैबिनेट मिनिस्टर बन सकती है सीएम हेमंत सोरेन कैबिनेट में। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन होगी महिला मंत्री। लेकिन इतना तो श्योर खबर निकल के सामने आ रही है कि जो 12वां मंत्री का ये जो दावा है कांग्रेस 100% ठोकेगी। ये जीएन भारत आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा है, देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।